हेलो एवरीवन वेलकम ऑन ग्रास्पिंग पाइथन इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस सेक्शन टू ऑफ पार्ट ए ऑफ सीबीएसई सैंपल पेपर फॉर द सेशन 2021 ऑफ कंप्यूटर साइंस विद पाइथन उस सब्जेक्ट कोड इज 083 सभी को नमस्कार ग्रास्पिंग पाइथन पर आपका स्वागत है जैसा कि आपको पता है मार्च 2021 के अंदर जो बोर्ड एग्जाम्स होने वाले हैं सीबीएसई के द्वारा उनके पेपर के पैटर्न में काफी कुछ चेंजेस किए हैं इसी के रिगार्डिंग कंप्यूटर साइंस में क्या क्या चेंजेस किए हैं उनके वीडियोस हम लेके आए आप लोगों के लिए इससे पहले कई सारे वीडियोस में हमने डिस्कस किया था माइंड मैप हमने डिस्कस किया क्वेश्चन वाइज माइंड मैप डिस्कस किया देन यूनिट वाइज हमने माइंड मैप डिस्कस किया और लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था सेक्शन वन ऑफ पार्ट ए जिसके अंदर ट्वेंटी वन क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे सेक्शन वन के अंदर जो पार्ट ए के अंदर सेक्शन वन पूछा जाएगा उसके अंदर ट्वेंटी वन क्वेश्चन होंगे और ट्वेंटी वन क्वेश्चन जो होंगे आपके शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होंगे उनमें से आपको केवल फिफ्टीन क्वेश्चन का आंसर देने हैं इन सभी वीडियो के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है आप वहां से देख सकते हैं अब हम बात करते हैं सेक्शन टू में इसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन होंगे और किस टाइप के होंगे और आपको आ, किस तरीके से इसको अटेम्प्ट करना है अगर हम सेक्शन टू की बात करें तो सेक्शन टू के अंदर दो क्वेश्चन होंगे दोनों के दोनों क्वेश्चन आपके केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होगा पहला क्वेश्चन आपका डेटाबेस एंड एसक्यूएल से होगा दूसरा क्वेश्चन आपका होगा फाइल हैंडलिंग से डेटाबेस एंड एसक्यूएल से और फाइल हैंडलिंग से जो दो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होंगे इनके पांच पांच सब पार्ट होंगे और सब पार्ट में से आपको कोई भी चार सब पार्ट अटेम्प्ट करने इट मीन चार सब पार्ट आपको डेटा बेस के अटेम्प्ट करने, करने और चार सब पार्ट ही आपको फाइल हैंडलिंग में से अटेम्प्ट करने तो किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो शुरू करते हैं हम लोग जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे क्वेश्चन आपके सामने आएगा डेटा बेस एंड एसक्यूएल से किस टाइप के क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है जैसे कि एक डिपार्टमेंटल स्टोर दे रखा है डिपार्टमेंटल स्टोर का नाम है माई स्टोर इज कंसिडरिंग टू मेंटेन देअर इन्वेंट्री यूजिंग माई एस एल टू स्टोर डेटा एज ए डेटा बेस एडमिनिस्ट्रेटर अभ हेज डिसाइडेड दैट नेम ऑफ द डेटाबेस डेटाबेस का नेम यहां पर दे रखा है माई स्टोर नेम ऑफ द टेबल दे रखा है यहां पर स्टोर एंड द एट्रीब्यूट ऑफ ए स्टोर आर एज फॉलोज आइटम नेम न्यूमेरिक टाइप का होगा आइटम नेम करेक्टर ऑफ ट्वेंटी करेक्टर साइज एंड एस कोड और क्वानिटी आर द न्यूमेरिक टाइप कहने का मतलब क्या है कि एक डेटाबेस डेटाबेस दे रखा है आपका उस database का नाम है आपका माई स्टोर और माई स्टोर जो डेटाबेस बना हुआ है उस डेटाबेस के अंदर क्या दे रखा है एक स्टोर नाम की टेबल दे रखी है जिसका स्ट्रक्चर ये वाला दे रखा है यहां पे तो यहां पे रिलेशन मीन टेबल जो आपका नाम दे रखा है यहाँ पे स्टोर अब इस स्टोर के अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए ये आपके कॉलम्स के अंदर एट्रीब्यूट दे रखे हैं आइटम नंबर आइटम नेम एस कोड एंड क्वांटिटी इसमें आप देखेंगे तो आइटम नंबर एस कोड एंड क्वांटिटी आर द न्यूमेरिक वैल्यू एंड आइटम नेम स्टोर द करेक्टर वैल्यू जैसा कि यहाँ पे इन्होंने डिस्क्रिप्शन के अंदर लिख रखा है जो आगे के क्वेश्चन होंगे वो इसी डेटाबेस के बेस और इस टेबल के बेस पे होंगे ये आपके पांच क्वेश्चन स्क्रीन पे दे रखे हैं, इनमें से आपको कोई भी चार क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं जिसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है आइडेंटिफाई एट्रीब्यूट बेस्ट सुटेबल टू डिक्लेयर एज ए प्राइमरी की इट मीन्स आपको क्या करना है इस टेबल के अंदर उस एट्रीब्यूट का नाम बताना है जो आपको प्राइमरी की बनाना है या जो बेस्ट सुटेबल हो प्राइमरी की तो सबसे पहले तो प्राइमरी की की डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए कि प्राइमरी की होता है क्या है। अगर हम प्राइमरी की की बात करें तो प्राइमरी की क्या होता है आपका सेट ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट्स दैट यूनिकली आइडेंटिफाई अ टपल इन अ रिलेशन कहने का मतलब क्या है कि एक रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए एक टेबल के अंदर एक रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए जो एट्रीब्यूट्स यूज करते हैं उनको हम प्राइमरी की कहते हैं तो अभी अगेन प्राइमरी की सेट ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट दैट यूनिकली आइडेंटिफाई ए टपल इन रिलेशन तो यहां पे देखिए अगर ये जो रो दे रखी रखिए आपके टू जीरो यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए आइटम नंबर हम यहाँ पे यूज करेंगे जो क्या करेगा हर एक रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका आइटम नंबर ठीक है आइटम नंबर राइट सेकंड क्वेश्चन दे रखा है व्हाट आर द डिग्री एंड कार्डिनलिटी ऑफ ए स्टोर सबसे पहले आपको डिग्री का पता होना चाहिए डिग्री क्या होता है और कार्डिनलिटी क्या होता है देन उसके बाद वो स्टोर टेबल जो आपको दे रखी है उसके बारे में बात कर रहा है तो डिग्री एंड कार्डिनलिटी की बात करें तो डिग्री का मतलब होता है नंबर ऑफ एट्रीब्यूट डिग्री का मतलब क्या होता है नंबर ऑफ एट्रीब्यूट और अगर हम कार्डिनलिटी की बात करें तो नंबर ऑफ टपल ठीक है अब टपल का मतलब यहां पे रोक से होता है और नंबर ऑफ एट्रीब्यूट मतलब कॉलम से होता है तो यहां पे अगर इसी क्वेश्चन की बात करें डिग्री एंड कार्डिलिटी तो इस क्वेश्चन के अंदर नंबर ऑफ डिग्री देखिए कितना होगा डिग्री क्या होगी इसकी और कार्डिलिटी की बात करें कार्डिलिटी का मतलब नंबर ऑफ रो इट मींस टपल तो कितनी होगी देखिए जरा अब अगर हम इसमें बात करें तो देखिए नंबर ऑफ कॉलम्स आइटम आइटम नंबर नेम और आई, एस और एस कोड क्वांटिटी ये चार कॉलम है तो इसकी डिग्री हो जाएगी चार मतलब फोर एंड अगर हम टपल्स की बात करें तो टपल्स में आप देखे एक दो तीन चार पांच छ सात तो इसकी टपल हो जाएगी सेवन कुछ स्टूडेंट इसमें क्या करते हैं आइटम नंबर आइटम नेम एस कोड और क्वांटिटी इसको भी काउंट करते हैं ये आपके एट्रीब्यूट्स में हेडिंग्स दे रखे हैं इनको नहीं काउंट करना है इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है तो यहाँ पे आपको क्लियर होना चाहिए कि जितनी आपकी टपल्स दे रखे हैं रो दे रखी है वो आपकी कार्डिलिटी होगी और जितने आपके कॉलम्स दे रखे होंगे वो आपकी डिग्री होगी कन्फ्यूज नहीं होना है डिग्री का मतलब नंबर ऑफ एट्रीब्यूट एंड कार्डिलिटी का मतलब नंबर ऑफ टपल क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड ये कह रखा है कि इंसर्ट द फॉलोइंग डेटा इन इन टू द एट्रीब्यूट आइटम नेम नेम एंड एस कोड रेस्पेक्टिवली इन द गिवन टेबल स्टोर आइटम नंबर की वैल्यू दे रखी है आइटम नेम की भी वैल्यू दे रखी है और एस कोड की वैल्यू देखिए दे, दे रखी है अब इसके अंदर वैल्यू इंसर्ट करना है तो आपको पता होना चाहिए इंसर्ट करने के लिए हम इंसर्ट कमांड यूज करते हैं तो इसके लिए जो कमांड होगी वो होगी इंसर्ट इन इंसर्ट Into और टेबल का नेम टेबल का नाम यहाँ पे दे रखा है स्टोर तो इंसर्ट इन टू स्टोर अब एक चीज यहां पे आपको देखने की बात है कि स्टोर के अंदर कितने कॉलम्स दे रखे चार और वैल्यू कितने इंसर्ट करने आपको थ्री तो इस टाइप का जब भी, भी कोई क्वेरी आती है तो यहां पे आप कॉलम्स का नेम प्रोवाइड करेंगे स्टोर के अंदर तो स्टोर के अंदर सबसे पहले आप लिखेंगे आइटम नंबर दूसरा लिखेंगे आप आइटम नेम आइटम नेम और तीसरा लिखेंगे जो भी वैल्यू आपको इंसर्ट करनी है यहाँ पे थर्ड वैल्यू है एस कोड राइट देन इसके बाद ब्रैकेट क्लोज करने के बाद फिर वैल्यूज अब वैल्यूज लिखना है यहां पे ना कि वैल्यूज और वैल्यूज के बाद ब्रैकेट लगा के आपको क्या करना है इनकी वैल्यू देनी है और वैल्यू डालने के लिए आप क्या करोगे जो भी न्यूमेरिक वैल्यू है वो ऐसे के ऐसे लिखनी है और जो करेक्टर वैल्यू वैल्यू है कॉमा देके डबल कोट्स में उसको लिखना है जैसे उसमें दे रखा है तो नोटबुक देन इसके बाद यहां पे 25 और लास्ट में सेमी कॉलम लगाना ना भूले इस चीज का भी विशेष ध्यान रखना है आपको ये आपका इंसर्ट हो जाएगा इस टेबल के अंदर रो अब यहां पे एक क्वेरी आती है कि क्या हम यहां पे कंपलसरी इनका नाम देना स्टोर के बाद कॉलम्स का नेम देना अगर आप स्टोर के बाद कॉलम का नेम नहीं देते हैं तो फिर और डायरेक्टली आप वैल्यू थ्री वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं तो आपकी क्वेरी एरर देगी अगर आप चारों वैल्यू प्रोवाइड करते हैं देन इज नो नीड टू प्रोवाइड नेम ऑफ द कॉलम्स इट इज क्लियर नेक्स्ट अगर हम बात करें पार्ट uh, डी की अब वॉन्ट टू रिमूव द टेबल स्टोर फ्रॉम द डेटा बेस माई स्टोर विच कमांड विल बी विल ही यूज फॉलोइंग अब यहाँ पे देखियो टेबल को रिमूव करना चाहता है डेटा बेस के अंदर से टेबल को रिमूव करना है अब यहाँ पे दो चीजें आपको देखनी है एक तो टेबल को रिमूव करना और दूसरा होता है टेबल के अंदर से एंट्रीज को रिमूव करना ठीक है तो अगर टेबल में से एंट्रीज को रिमूव करना है तो इट इज द पार्ट ऑफ डी एम एल कमांड एंड टेबल को रिमूव करना चाहता हूं तो इट इज दार्ट ऑफ डी डी एल कमांड ये क्लियर होना चाहिए अब ये क्या करना चाह रहा है टेबल को रिमूव करना चाह रहा है तो डिलीट फ्रॉम स्टोर ये काम नहीं करेगा ये आपकी डीएमएल कमांड हो जाएगी ये क्या करेगा टेबल में से एंट्रीज को डिलीट कर देगा अगर आपने लिखा डिलीट फ्रॉम स्टोर तो इस टेबल में से एंट्रीज को डिलीट करेगा टेबल का स्ट्रक्चर तो अभी भी अवेलेबल रहेगा डेटाबेस में इट मीनस स्टोर टेबल रहेगी बट उसके अंदर कोई भी टपल्स नहीं होंगे एंट्री नहीं होगी इस कमांड से राइट देन इसके बाद ड्रॉप टेबल ड्रॉप टेबल स्टोर तो अगर आप ड्रॉप टेबल स्टोर लिखते हैं तो इस केस के अंदर क्या हो रहा है कि यहां से ड्रॉप टेबल कर रहा है और कहां से किसको डिलीट कर रहा है स्टोर को तो ये क्वेरी आपका इसका करेक्ट आंसर ये है ड्रॉप डेटा बेस माई स्टोर रॉन्ग एंड डिलीट स्टोर फ्रॉम माई स्टोर ये भी रॉन्ग है तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ड्रॉप टेबल स्टोर अब आपको ये पता होना चाहिए कि डिलीट फ्रॉम स्टोर के अंदर और डिलीट ड्रॉप टेबल स्टोर के अंदर क्या डिफरेंट है डिफरेंस है अगर हम डिलीट फ्रॉम स्टोर करें तो ये टेबल के अंदर से एंट्रीज को डिलीट करेगा टेबल का स्ट्रक्चर डेटाबेस में फिर भी अवेलेबल होगा और ये अगर हमने बात कर दिया ड्रॉप टेबल स्टोर तो टेबल आपकी डिलीट हो चुकी होगी डेटाबेस से क्लियर हुआ ये कंसेप्ट नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें नाउ हब ए वन टू डिस्प्ले द स्ट्रक्चर ऑफ ए टेबल स्टोर दैट इज नेम ऑफ द एट्रीब्यूट एंड देयर रेस्पेक्टिव डेटा टाइप दैट ही हैज यूज इन दूस राइट द क्वेरी टू डिस्प्ले अब ये टेबल का स्ट्रक्चर देखना चाहता है अब टेबल का स्ट्रक्चर देखने के लिए उसके पास एक कमांड होती है डिस्क्राइब डिस्क्राइब और टेबल का नाम डिस्क्राइब और यहाँ पे टेबल का नाम है आपका स्टोर ठीक है और से कोलन लगाना ना भूले इसी अगर ये रन करेगा तो उसको क्या दिखाई देगा टेबल का स्ट्रक्चर दिखाई देगा या इसकी जगह वो डीई एस सी भी लिख सकता है सी और स्टोर दोनों क्वेरीज में से कोई सा भी आंसर आपका हो सकता है टेबल का स्ट्रक्चर देखने के लिए तो ये आपका केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन था एस क्यू एल एंड डेटा बेस ये क्वेश्चन बनता है आपका और ये क्वेश्चन आपका कितने नंबर नम, का बनता है चार नंबर का बनता है इसमें ये पांच पार्ट होंगे पांच पार्ट में से कोई भी चार पार्ट आपको अटेम्प्ट करने नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा वो आपका फाइल हैंडलिंग से आएगा और फाइल हैंडलिंग में भी आपका सी फाइल से आएगा सी फाइल से अब देखते हैं सी फाइल में क्या होता है और किस तरीके से क्या काम हो रहा है Ranjan Kumar of class 12 is writing a program to create a CSV file. CSV file means comma separated value. फाइल का नाम दे दिया यूजर डॉट सी एस वी जो भी सी एस वी फाइल होती है उसको डॉट सी एस वी एक्सटेंशन के साथ सेव करते हैं विच विल बी कंटेन यूजर नेम उसके अंदर क्या क्या होगा वो देखे यूजर नेम एंड पासवर्ड फॉर द एंट्रीज फॉर सम एंट्रीज उस टेबल के अंदर यूजर नेम एंड पासवर्ड स्टोर कर रहा है ही हैज राइट द फॉलोइंग कोड एज पर द प्रोग्रामर हेल्प हम टू सक्सेसफुल एक्सिक्यूट दिवन टास्क अब इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर आप देखेंगे तो एक प्रोग्राम लिखा हुआ है फिल इंद ब्लैंक दे रखा है देखिए एक यहाँ पे फिल इंदा ब्लैंक दे रखा है एक यहाँ पे फिल इन द्लैंक दे रखा है एक यहाँ पे फिल इंदा ब्लैंक दे रखा है और एक यहाँ पे फिल इंदा ब्लैंक दे रखा है, है चार फिल इन द ब्लैंक दे रखा है और एक यहाँ पे पांचवी लाइन दे रखी है इट मीनस लाइन वन लाइन टू लाइन थ्री लाइन फोर और लाइन फाइव इन पांचों लाइन के बेस पे पांच क्वेश्चन बनेंगे आपको चार क्वेश्चन अटेम्प्ट करने अब सबसे पहले तो आपको सीएसवी फाइल के बारे में पता होना चाहिए कि इसके अंदर रीड कैसे करना है और राइट कैसे करना है राइट right. अगर आपको सीएसवी फाइल के बारे में डिटेल में पढ़ना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सीएसवी फाइल की लैब एक्टिविटी और सीएसवी फाइल का वीडियो अवेलेबल आप वहां जाकर देख सकते हैं फिलहाल मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं कि किस टाइप से हम सी फाइल के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो चलते हैं सीएसवी फाइल की तरफ अब यहाँ पे सीएसवी फाइल का कंप्लीट वीडियो तो आप लोग डिस्क्रिप्शन पे अवेलेबल है वहां से आप देख सकते हैं मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको बता देता हूँ सीएसवी फाइल की अगर हम बात करें तो कॉमा सेपरेटेड वैल्यू इसकी फुल फॉर्म है यूज्ड टू स्टोर टेबुलर डेटा सच एज स्प्रेडशीट एंड डेटा बेसवी फाइल स्टोर टेबुलर डेटा नंबर एंड टेक्स्ट इन प्लेन टेक्स्ट ईच लाइन ऑफ द फाइल इज डेटा रिकॉर्ड And each record consists one or more fields separated by comma. The use of comma as a field separator uh, is the source of the name of the file format. ठीक है क्योंकि कॉमा से आप अलग कर रहे हैं और वही आपका क्या है फाइल का नेम का सोर्स है कॉमा सेपरेटेड वैल्यू आगे अगर हम बात करें तो देखिए फाइल को ओपन करने का जो मेथड होता है वो यहां पे एक्सप्लेन कर रखा है कि फाइल के ऊपर हम लोग क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं तो सीएसवी फाइल आर नॉर्मली क्रिएटेड बाई प्रोग्रामीनियंट वे टू एक्सपोर्ट डेटा फ्रॉम और डेटा बेस एज वेल इम्पोर्ट और यूज इन द अदर प्रोग्राम तो सीएसवी फाइल पे ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए वी हैव टू इम्पोर्ट सी एस वी मॉड्यूल तो फर्स्ट वी हैव टू इम्पोर्ट सी एस वी ये ध्यान रखना है देन फाइल के ऊपर आप रीड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे एंड राइट ऑपरेशन रीड ऑपरेशन के लिए आपको सीएसवी डॉट रीडर मॉड्यूल आपको यूज करना है एंड राइट के लिए आपको सीएसवी डॉट राइट रो आपको यूज करना है आगे अगर हम इसी में बात करें तो देखिए फाइल को कैसे ओपन और क्लोज करना है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम के अंदर यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है तो यहाँ पे क्या करना है सी फाइल को ओपन करने का मेथड जो होता है ये होता है फाइल वेरिएबल या फाइल हैंडल इसको कहते हैं ये यूजर डिफाइन नेम हो सकता है कुछ भी हो सकता है देन इसके बाद ओपन फंक्शन आप यूज करोगे देन फाइल का नाम यूज करोगे विद सी एक्सटेंशन और यहाँ पे फाइल को किस पर्पज के लिए आप ओपन कर करेगा फाइल को किस मोड में ओपन करते हैं हम यूजिंग विद फंक्शन भी ओपन कर सकते हैं विद ओपन फाइल का नेम एक्सेस मोड एज वेरिएबल नेम ये दो तरीके होते हैं फाइल को ओपन करने का यहां से क्वेश्चन बनता है या तो ये मोड यूज करोगे या मोड यूज करोगे आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए फाइल को क्लोज करने का जो मेथड होता है वो होता है फाइल हैंडलर डॉट क्लोज फंक्शन यूज करके हम इस काम करते हैं अब यहाँ पे देखिए एक छोटा सा प्रोग्राम है जिसके अंदर इन्फॉर्मेशन को रीड कर ओपन कर रहा है रीड कर रहा है और डिस्प्ले कर रहा है ठीक है तो सबसे पहले इंपोर्ट सीएस किया यहाँ पे फाइल का जो हैंडलर है वो एफ इक्वल टू ओपन यहाँ पे एग्जाम बीना डॉट सी नाम की फाइल को ओपन किया और आर मोड में ओपन किया आर मतलब रीड करने के लिए फाइल के डिफरेंट मोड होते हैं रीड करना है राइट करना है या फिर अपेंड करना है वो सारे के सारे मोड्स आप लोगों को इस वीडियो के का जो कंप्लीट वीडियो देखो देखोगे उसमें अवेलेबल है ना उसके बाद सीएसवी डाटा अंडर स्कोर सी एस वी इक्वल टू सी डॉट रीडर और आपने फाइल को रीड कर लिया रीड रीड करने के बाद क्या होता है कि जो भी डेटा होता है, वो आई में होता है है वो फॉर्मेट में तो उसको डिस्प्ले करने के लिए भी यू हैव टू यूज फॉर लुक तो फॉर आई इन डेटा अंडर स्कोर सी एस वी जो आपने रीड किया है उसमें और प्रिंट आई आपने कर दिया और फाइल को आपने क्लोज कर दिया आगे अगर हम बात करें तो यहां पे इसको एक्सप्लेन कर रखा है नेक्स्ट है आपका रीडिंग पर्पस के लिए इसको यूज कर रखा है दूसरा यहाँ पे उसी एग्जाम्पल एक, को यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है तो स्क्रीनशॉट दे रखा है प्रोग्राम का देन इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें फाइल के अंदर राइट करना है तो उसके लिए हम यूज करते हैं राइटर तो यहाँ पे इसने लिख रखा है csv.write row to write uh, to write to a csv file in python we can use csv.writer function the csv.writer function return राइटर ऑब्जेक्ट कन्वर्ट यूजर्स डेटा इंटू डेटेड स्ट्रिंग स्ट्रिंग कैन बी लेटर टू बी यूज टू राइट इंटू सी एस बी फाइल यूजिंग राइट रो फंक्शन अब यहाँ पे देखे इसका जो सिंटेक्स होता है फाइल को ओपन किया ओपन करने के बाद यहाँ पे इन्होंने क्या किया फाइल को इसके साथ ओपन किया और ये राइट रो करके इसको यूज कर लिया आगे के प्रोग्राम में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मल्टीपल रोज को राइट करना है तो ये इस तरीके से राइट कर रहा है यहाँ पे आपने क्या किया एक ही लिस्ट बना दिया और उसको क्या कर दिया अलग अलग उसमें राइट कर दिया तो ये था आपका सी फाइल का प्रोग्राम जिसके अंदर आप लोगों ने सीखा कि किस तरीके से आप रीड एंड राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं उसके लिए क्या आपको इम्पोर्ट करना है और क्या आपको रीड करने के लिए क्या यूज करना है राइट करने के लिए आपको क्या यूज करना है अब आते हैं अपने प्रोग्राम पे इसको हम लोग थोड़ा सा एक बार डिस्कस कर लेते हैं ये क्या कर रहा है देखिए सबसे पहले तो इम्पोर्ट और द ब्लैंक दे दिया लाइन वन के अंदर तो आपको पता चल गया होगा कि यहां पे क्या है। फिर इसके बाद एक फंक्शन डिफाइन किया है डेफ एड सी एस वी फाइल यूजर नेम एंड पासवर्ड ये इन्फॉर्मेशन में ले रहा है और यहाँ पे इसमें कमेंट्स में लिख दिया टू राइट और एड डेटा इन टू दी एसवी फाइल अब ये क्या कर रहा है फाइल को ओपन कर रहा है ओपन फाइल का नाम लिख दिया यूजर डॉट सी एस बी और यहाँ पे हम फाइल का मोड देते हैं जो इसने ब्लैंक छोड़ दिया फिल इन द ब्लैंक करना है आपको इसको इसने लाइन टू दे दिया फिर यहाँ पे क्योंकि ये राइट कर रहा है एड सी एस वी फाइल नाम से पता चल रहा है तो न्यू फाइल राइटर इक्वल टू सी एस पी डॉट राइटर यहाँ पे यूज कर लिया और यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट बनाया राइटर का न्यू फाइल राइटर डॉट राइट रो राइट रो यूज किया और एक एक राइट को क्या कर रहा है रो और रो के अंदर ये लिस्ट ले रहा है यूजर नेम एंड पासवर्ड को राइट कर रहा है तो कहने का मतलब ये जो कंप्लीट फंक्शन है ये आपका क्या काम कर रहा है राइट करने का काम कर रहा है फाइल के अंदर दूसरा है यहाँ पे कमेंट्स में लिख रखा है सीएसवी फाइल रीडिंग कोड रीडिंग कोड के लिए डेफ रीड सी एस वी फाइल देन विद फंक्शन से इसको ओपन किया है ठीक है दोनों मेथड अभी मैंने एक्सप्लेन किया था विद ओपन यूजर डॉट सी एस वी आर एज न्यू फाइल और यहाँ पे क्या किया इसने न्यू फाइल रीडर इक्वल टू सी एस वी और यहाँ पे कुछ मिस कर दिया है क्या मिस किया है वो अभी हमने डिस्कस किया है अब वो आप देखना है देन यहाँ पे न्यू फाइल जो आपने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया फाइल का ठीक है देन इसके बाद फॉर रो इन न्यू फाइल रीडर और प्रिंट कर दिया रो जीरो वन पे देन इसके बाद न्यू फाइल डॉट इसको लाइन फोर दे दिया नाउ एड फंक्शन कॉल किया जिसमें अर्जुन वन टू थ्री एट द रेट ऑफ फाइव सिक्स फिर अरुणिमा अरु एट द रेट नीमा देन यहाँ पे फे, आ, फेरेडा डॉट माई नेम एट एफ आर डी ये फाइल के अंदर आपने एड सी एस वी फाइल का फंक्शन को कॉल किया और फाइल को यहाँ पे क्या कर दिया रीड

फाइल के अंदर डेटा ऐड करना चाहता है तो फाइल को कौन से मोड में ओपन करेगा अब यहाँ पे देखिए फाइल का मोड रीड हो सकता है राइट हो सकता है और अप एंड मोड हो सकता है रीड तो यहाँ कर नहीं रहा ओब्वियसली राइट कर रहा है तो राइट मोड में ओपन करेगा अब राइट मोड में क्या प्रॉब्लम आती है अगर उसने यहाँ पे राइट मोड के लिए डब्लू लिख दिया तो जो पहले का कंटेंट था वो क्या हो जाएगा आपका इरेज हो जाएगा इट मीन्स फाइल में एड कर रहा है तो ऐड करने के लिए अप एंड मोड यूज करेगा तो यहाँ पे आ जाएगा ए ठीक है स्मॉल ए राइट right, इस मौलिया आपको यहां पे लिखना है नेक्स्ट इसने पूछा है यहां पे लाइन थ्री के लिए क्या रखा है फिल इन द ब्लैंक इन लाइन थ्री टू रीड द डेटा फ्रॉम a सी एस वी फाइल सी एस वी फाइल से आपको डेटा को रीड करना है तो आपको पता है रीड करने के लिए रीडर यूज करते हैं तो यहाँ पे अभी आप थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था तो यहाँ जाएगा रीडर और ब्रैकेट में न्यू फाइल न्यू फाइल ये जो आपने फाइल को ओपन करने के लिए जो ऑब्जेक्ट बनाया था वो आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगर फोर की हम बात करें इसमें पूछ रहा है फिल इन द ब्लैंक इन लाइन फोर टू क्लोज द फाइल फाइल को आपको क्लोज करना है तो आपको पता कहता फाइल को क्लोज करने के लिए फाइल का ऑब्जेक्ट फाइल का ऑब्जेक्ट यहाँ पे न्यू फाइल है तो ये ऐसे कैसे आ जाएगा डॉट क्लोज आपको यूज करना है यहाँ पे राइट डॉट क्लोज देन इसके बाद इसने क्या किया राइट किया एक रा, रो राइट किया फिर दूसरी रो राइट की फिर तीसरी रो राइट की देन इसके बाद रीड फंक्शन यूज किया और यहाँ पे लाइन फाइव कर दिया और ई पार्ट के अंदर इसने पूछा राइट द आउटपुट ही विल ऑप्टेन वाइल एग्जीक्यूटिंग लाइन फाइव अब लाइन फाइव को मतलब इस फंक्शन को कॉल करेगा तो आपका जो रीड वाला फंक्शन है ये कॉल हो जाएगा रीड वाला फंक्शन कॉल होगा तो आपको पता है अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस भी किया था रीड वाले फंक्शन में एंटायर इस डाटा को रीड कर लेगा और उसके बाद यहाँ पे आई ट्रेटिव आई ट्रेटिव स्टेटमेंट्स को प्रिंट करने के लिए फोर लुक यूज किया और यहाँ पे क्या करेगा फिर फोर लुक के थ्रो इसको प्रिंट कर देगा तो इसका जो आउटपुट आ जाएगा वो क्या जाएगा? पहली आ जाएगा सबसे पहले लाइन के अंदर यहाँ पे आ जाएगा अर्जुन फिर यहां पे डबल कोर्स कुछ नहीं आएगा क्योंकि ये तो आर्ग्यूमेंट पास किया है कोमा भी नहीं आएगा और यहां पे आ जाएगा वन टू थ्री एट द रेट फोर फाइव सिक्स देन सेकेंड लाइन के अंदर आ जाएगा अरुणिमा अरुणिमा और इसका पासवर्ड आ जाएगा ए आर यू अरु एट द रेट ऑफ नीमा नीमा ठीक है देन नेक्स्ट है आपका फेरडिय और इसका जो पासवर्ड आ जाएगा वो आ जाएगा माई नेम एट द रेट ऑफ एफ आर डी तो ये था आपका सीएसवी फाइल से फिल इन ब्लैंक बेस्ड क्वेश्चन अगर आपको फाइल में में कोई doubts है, तो उसका जो है है, और lab activity, इस वीडियो के description में available है. वहां से आप देख लीजिए। एक बार उसको समझ लेंगे तो ये चार नंबर का जो क्वेश्चन आता है जिसमें पांच पार्ट होंगे और आपको चार अटेम्प्ट करने बहुत आसानी से आप इसको अटेम्प कर सकते हैं नेक्स्ट वी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेक्शन वन ऑफ पार्ट बी जिसके अंदर टोटल ट्वेंटी मार्क्स का क्वेश्चन आएंगे जिसमें टेन uh, क्वेश्चन होंगे और हर क्वेश्चन का जो वेटेज होगा टू मार्क्स होगा और जिसमें दो क्वेश्चन के अंदर इंटरनल चॉइस होगी तो ये था आपका सेक्शन टू ऑफ पार्ट ए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिए लाइक करिए शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि उनको भी बेनिफिट लगे और बेनिफिट uh, मिले और अगर कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं धन्यवाद जय हिंद जय जै भारत